नमस्कार, मैं हिना और आप देख रहे हैं प्रदेश समाचार। आज हम आए हुए हैं रोहिंदा गांव में, जहां हम बात करेंगे प्रधान जी से गांव के विकास को लेकर, समस्याओं को लेकर और उनसे जुड़े समाधान को लेकर। तो आइए जानते हैं। नमस्कार प्रधान जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं ग्राम प्रधान रोहिंदा से, मेरा नाम टीकम सिंह है। तो प्रधान जी, कितना टाइम हो गया आपको प्रधान पद पर? प्रधान पद पे लगभग एक साल होली। अच्छा, इससे पहले भी आप ही की मतलब घर में से थे प्रधान पद पर? या नहीं नहीं, पहले मोमडनों में थे, मुजाहिद खान थे हमसे पहले। अच्छा, तो प्रधान जी, जैसे आपको 10 महीने कंप्लीट हो चुके हैं प्रधान पद पर, तो क्या क्या विकास करा दिया आपने? विकास मैडम जी, 4-5 तो चक्रो डलवा दिए मनरेगा से, नए रास्ते निकलवा दिए हैं और 4-5 पक्के खरंजे भी लगवा दिए हैं, इंटरलॉकिंग वाले जो, और गांव में 2 नाले भी बनवा दिए हैं ईशनपुर रोहिंदा में, और जी 3-4 हैंडपम्प भी लगवा दिए हैं, रिबोर करवा दिए हैं। एक ही गांव की पंचायत है आपकी? रोहिंदा और ईशनपुर। ईशनपुर दो गांव की पंचायत? दो गांव में। अच्छा, तो प्रधान जी, जैसे 2 गांव की पंचायत है, तो कर्मचारी, सफाई कर्मचारी कैसे आते हैं? टाइम से आते हैं या सफाई के लिए? सफाई कर्मचारी यहाँ पे है ही ना, हमने BDO साहब को शिकायत करी है और ADO साहब से कही है और CDO साहब से भी कह चुके हैं, हम एप्लीकेशन लगा चुके हैं। शुरू में रहा था 1-2 महीने, उसके बाद में तो है ही नहीं है, फिर बल्लाव पहुँच गया वो, अब दोबारा से एप्लीकेशन लगाई BDO साहब को अभी करीब 15 दिना पहले जो, तो बोले कभी जल्दी में शिफ्ट करा देंगे, प्राइवेट सफाई करवा रहे हैं फिर। अच्छा, सरकारी कर्मचारी कोई नहीं है? कोई नहीं है। पंचायत भवन कंप्लीट है आपके? पंचायती भवन कवन कंप्लीट है इस समय, तो बस उसमें जो कंप्यूटर में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो वो भी सही हो जाएगा अभी 1-2 दिनों में, नया रखवाया। और जैसे प्राइमरी स्कूल है, आंगनबाड़ी है, उसमें आपने क्या कराया? प्राइमरी स्कूलों में उसका शौचालय की छत बेकार थी, उसमें लेंटर डलवा दिया है और एक इंटरलॉकिंग लगी हुई थी उसके अंदर, तो वो बेकार हो रही, टूट फूट रही थी, उसमें नई लगवा दी है, दोबारा से खुलवा के लगवा दिया और एक रिवर करवा दिया, सामान लगवा दिए प्राइमरी स्कूल में, पंचायती घर पर भी एक सामान लगवा दिए, रिवर करवा दिया। तो प्रधान जी ये बताइए, जैसे ज्यादातर हम गांव में जाते हैं इंटरव्यू के लिए प्रधान जी के, तो हमारे सामने जो समस्या आती है डीलर साहब आंगनबाड़ी को लेकर, ऐसी कोई जैसे एक यूनिट पे 5 किलो मिलता है तो 4 किलो, 4.5 किलो देते हैं, 3 किलो देते हैं, ऐसी कोई समस्या? ना ऐसी कोई समस्या, राशन पूरा मिल रहा है यहाँ पे, हर आंगनबाड़ी पूरा बांटती है, आंगनबाड़ी पूरा बांट रही है। अच्छा, तो आंगनबाड़ी में जो बच्चों का राशन मिलता है तो क्या क्या देती है आंगनबाड़ियों के लिए? अब जो RR दलिया आया था और जो दाल आई थी और जी थोड़ा देसी घी भी आया था। देसी घी आया था, रिफाइंड की? हाँ भाई, तो देसी घी भी तो आया था, रिफाइंड भी मिला। अच्छा, पहले आया था, तो रिफाइंड आया था फिलहाल। तो प्रधान जी, कोई और समस्या जो हमारे चैनल के माध्यम से आप रखना चाहते हैं? ना फिलहाल तो कोई समस्या ना, सरकार जो पैसे डाल रही है खातों में, तो हम विकास करा रहे हैं, नाली खरंजा और सफाई कर्मचारी की ज्यादा समस्या थी, तो उसके लिए हमने शिकायत कर रखी है, पर अभी तो कोई शिफ्ट नहीं हुआ हमारे यहाँ पे। तो प्रधान जी, जैसे 10-11 महीने आपको प्रधान पद पर हो गए, तो काफी सारी समस्याएं रही हैं, जैसे आचार संहिता लग गई, इससे पहले भी काफी टाइम मुश्किल से 3-4 महीने ही आपको वर्क करने के लिए मिला है, तो अब आगे क्या योजना है आपकी कराने की? अब जैसे सरकार विकास के लिए पैसे डालेगी वैसे विकास कराएंगे, अब स्कूलों में काम करवाना, ईशनपुर वाली उसकी बाउंड्री बेकार हो रही है, उसमें बाउंड्री करवानी है, उसमें भराव नहीं हुआ, उसका भराव कराना, और गांव में 2-3 खरंजे ऐसे हैं जिनमें पानी वानी भर रहा है, उन खरंजन की तैयारी कर रहे हैं। और जैसे गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मिलती है, जैसे विधवा है, वृद्धा है, आवास है, ये जैसे विकलांग पेंशन है, इनमें अभी तक आप क्या करा चुके हैं? पेंशनों के हमने फार्म भरवा चुके हैं, पर अभी पेंशन किसी की डली नहीं है, अब आने वाली है पेंशन जो। अच्छा, डली नहीं है मतलब फॉर्म भरवा चुके हैं? हाँ, फॉर्म तो जमा कर दिए। हाँ, ऑनलाइन हो गए। जैसे 2 गांव की पंचायत है, कितनी महिलाएं ऐसी? कौन सी वाली, विधवा या कौन सी? वृद्धा दोनों। महिला ऐसे हो जाएंगी करीब ना तो 30-35। तो उनमें से कितने फॉर्म ऐसे आ चुके हैं जो आप सबमिट करा चुके हैं? उसमें से करीब करीब 15 तो हो चुके हैं। हाँ, और बाकी तो हमने कह दिया, इनके सब दे दो अपने फॉर्म जो, कागज जो, आधार कार्ड वगैरह जो, बनवा देंगे पेंशन जो, और जब सरकार पैसे डालेगी तो सबके आएंगे, तुम्हारे भी आएंगे और उनके भी आएंगे जिनके पेंशन बने हुए हैं। तो प्रधान जी, जैसे कि गांव-गांव में ये वैक्सीनेशन हो रहे थे कोविड को लेकर, तो कितने परसेंट आपके यहाँ वैक्सीनेशन हो चुका है? वैक्सीन तो देखो खूब करवाया, जितने भी कैंप लगे हैं हर कैंप में हम गए हैं, हम भी गए हैं, सेक्रेटरी भी गए हैं, जो हमारे पंचायती सहायक है वो भी गया, और वैक्सीन कैंप के लिए हमारे जो बंजारे पड़ते हैं 2 डेरा, उन्होंने न लगवा, दोपहर में भागे डोलते हैं, लग तो गई है वैसे बहुत, पर वो दुबक सी डर से कहते हैं मर जाएंगे, ये होगा वो होगा, फलान जी मर गए, कोई डर जी। आपने लगवा ली वैक्सीन? हाँ, हमारे वैक्सीन 2 लग, फैमिली में सबके लग, सबके लग गई वैक्सीन, हम भी 2 लगवा चुके हैं। तो फिर आप भी लगवा चुके हैं और भी काफी लोग जो जागरूक हैं वो भी लगा चुके हैं, तो उन लोगों को समझाते नहीं है कि हम लोगों ने भी तो लगवाई है? उन लोगों को समझाते हैं पर वो दुबक के नहीं भाग जाते हैं, फिर भी सामने नहीं आते हैं, डरते हैं, नौकते हैं कि मर जाएंगे इनसे, के वहाँ मर गए, के वहाँ मर गए, अफवाह उड़ा रखा उनमें, वो कौम ही ऐसी है बंजारी को, समझते नहीं है, मानते नहीं है। तो प्रधान
प्रधान जी, जैसे आप 15 से 18 साल तक के बच्चों की लग रही है, वो भी नहीं लगी होगी? हाँ वो तो लगी वैक्सीन, पर बंजारे नहीं लगवाते हैं। जो समझदार है ना, बंजारे पढ़े लिखे हैं, उन्होंने तो लगवा लिए। जो बिल्कुल गंवार है वो नहीं लगवाते हैं, वो तो दबक और जाते हैं। मनरेगा के माध्यम से आपने क्या क्या कराया? हमने 4 रास्ते डलवाए हैं नए चक्रोड, जो मैणी पहले वहाँ पे जो कागज में चक्रोड थे नक्शा में, तो 4 रास्ते हमने नए करवा दिए और 2-3 रास्तों की हमने रिपेयरिंग करवा दिए, जिनमें गड्ढे वड्ढे हो रहे दोबारा से वो डलवा दिए। कितने कैंडिडेट काम कर रहे हैं आपके इस समय? जो करीब 30-35 आदमी काम कर रहे थे। जॉब कार्ड कितने बने हुए? जॉब कार्ड 35 है। 35। तो प्रधान जी, इनकी जो पे होती है क्या होती है? सैलरी जो आ रही है इनकी 204 रुपए की झाड़ी है इनकी। तो प्रधान जी, जैसे कुछ पंचायतों में हमने सुना है मनरेगा के जो मजदूर हैं, कैंडिडेट हैं, उनका जो है टाइमिंग से पैसा नहीं आ रहा, ऐसी कोई समस्या? समस्या ऐसी आती है, जो ब्लॉक के अंदर जो कर्मचारी हैं वो थोड़े पैसा लेन देन के बारे में जो काम को लेट कर देते हैं, वो खर्चा पानी के हिसाब के चक्कर में रहते हैं। और मजदूर जब काम करने जा रहा है तो मजदूर को तो पैसा टाइम से मिलना चाहिए, और जो लापरवाही में छोड़ देते हैं तो इसलिए लेट हो जाता है। अभी कुछ मजदूर रह गए हैं जिनके पैसे ना आए, 10-5 आदमी ऐसे रह भी गए जो बाद में जो चक्रोट डले, पहले चक्रोटर में डल चुके हैं, अभी 2 चक्रोटों के पैसे डले नहीं हैं। अब नौकरी का 2-4 दिन में हो जाएंगे, मस्टोल फीट करवाएं दोबारा से, इसीलिए आज भी गए थे हम, तो बोले कि 2-4 दिन में पैसे जो डल जाएंगे खातों में। कुछ और कहना चाहेंगे प्रधान जी? बस इतना ही कहना था हमको, तो और तो कोई बात नहीं है। प्रधान जी, जैसे आप ये दोनों मिली हुई आबादी है आपके यहाँ, तो ईद आने वाली है, इसकी भी शुभकामनाएं दे दिए। ईद आ रही है, देखो अब ईद मनाने के लिए सभी को शुभकामनाएं देते हैं, ठीक ठाक त्यौहार मनाए। हमारे गांव के अंदर इतना लड़ाई झगड़ा कभी नहीं हुआ, और प्यार मोहब्बत से मनाते हैं। ईद हो या होली हो या दिवाली हो, हिंदू मुस्लिम सब भाई मिलजुल के मनाते हैं। सभी भाइयों को हमारी लंग से शुभकामनाएं, ठीक ठाक बनाएं और कोई विवाद ना करें आपस में। थैंक यू प्रधान जी। तो जैसे कि हमने प्रधान जी से बात की गांव के विकास को लेकर, समस्याओं को लेकर, उनसे जुड़े समाधान को लेकर, तो सभी सवालों का जवाब बहुत अच्छे से दिया प्रधान जी ने। इसी तरीके से देखते रहिए प्रदेश समाचार नेटवर्क में ही ना, मेरी सहयोगी गुंजन पाठक के साथ। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क, और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।